नमस्कार। बाल गोविंद भगत यह एक रेखा चित्र है, यानी किसी के व्यक्तित्व का चित्रण इसमें किया गया है और इसके लेखक राम वृक्ष वेणीपुरी हैं। इस रेखा चित्र के द्वारा लेखक ने एक ऐसे सन्यासी का वर्णन किया जो वेशभूषा से सन्यासी नहीं लगता था, यानी वस्त्रों से सन्यासी नहीं लगता था। लेखक के अनुसार उनके सन्यासी होने का आधार मानवीय जीवन के प्रति प्रेम था। वह मानवीय जीवन को प्रेम करते थे, इसीलिए वह सन्यासी थे। साथ ही वह समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के भी विरोधी थे। और इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें ग्रामीण जनजीवन की झलक भी देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं पाठ। लेखक बचपन में ही अपने आप को पक्का ब्राह्मण समझता था, क्योंकि वह सुबह शाम प्रतिदिन आरती संध्या किया करता था। साथ ही तिलक लगाना आदि उसे क्रियाएं सभी करने का अच्छा ज्ञान था। एक तेली के आगे लेखक गर्व से ऊंचा सिर नहीं उठाता था, बल्कि उसका सिर स्वयं ही झुक जाता था। हमारे समाज में तेली का यात्रा के समय मिलना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेखक ये कहता है। बाल गोविंद 60 वर्ष के मंझोले कद के व्यक्ति थे और वह एक लंगोटी और टोपी पहने रहते थे। जब ठंड का समय आता था तो वह काला कंबल ओढ़ कर के अपने मस्तिष्क पर चंदन का तिलक लगा करके गले में तुलसी की माला पहनते थे। वह एक गृहस्थी व्यक्ति थे और खेती बाड़ी का काम भी करते थे, लेकिन फिर भी वह अपना जीवन बिल्कुल साधुओं की तरह जीते थे। ना कभी झूठ बोलते, ना किसी और की चीज़ को कभी हाथ लगाते थे, ना ही बिना पूछे किसी भी वस्तु को दूसरे की वस्तु को व्यवहार में लाते थे। उनकी हर चीज़ पर साहब का अधिकार था। साहब यहाँ पर कबीर को माना गया है। वे अपने खेत की पैदावार सिर पर रख कर के कबीर के मठ में ले जाते और वहाँ उसका प्रसाद लगाते, और प्रसाद वापसी में जो उन्हें मिलता उसी से अपने जीवन का गुजारा किया करते थे। अगर पाठ की बात करें तो लेखक जो हैं इन बाल गोविंद भगत के गायन की जो कला थी उस पर अत्यंत प्रसन्न होते थे। उनका गायन हमेशा सुनने को मिलता था। आषाढ़ का महीना जैसे ही आता था खेतों में धान की रुपाई शुरू हो जाती थी और सभी लोग खेतों में चले जाते थे, तब उनका गाने का स्वर सुनाई दिया करता था और रुपाई करते समय वो हमेशा गाना गाया करते थे। उनके कंठ से निकला एक एक शब्द ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से आ रहा हो और संगीत से सारा वातावरण संगीतमय हो जाता था। सभी लोग एक ताल में मिलकर काम करने लगते। वे भादों की अंधेरी रातों में पिया के प्यार के गाने भी गाया करते थे। उनके अनुसार पिया साथ होते हुए प्रेतमा अपने को अकेला समझती है, इसलिए बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब सभी सो जाते थे तो भी उनका संगीत जागता था और वह कार्तिक से फागुन तक प्रभाती भी गाया करते थे। प्रभाती किसे कहते हैं? प्रातः काल में जो बहुत जल्दी सुबह उठ करके गाना गाया जाता है उसे प्रभाती कहते हैं, और प्रभाती गा करके सभी लोगों को जागने की शिक्षा दी जाती है। जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता था तो वह उठ करके 2 मील जा करके नदी में स्नान किया करते थे। वापसी में गांव के बाहर पोखर पर वे खंजड़ी लेकर बैठ जाते और गीत गाने लगते थे। यहाँ पर लेखक की बात करें तो उन्हें देर तक सोने की आदत थी, लेकिन एक दिन वो जल्दी सुबह उठ जाते हैं और लेखक को बाल गोविंद का संगीत सुनाई देता है और वो अपने संगीत में बहुत मस्त होकर के गा रहे थे और गाते गाते उनके माथे पर पसीने की बूंद चमक रही थी और जबकि लेखक को ठंड लग रही थी। उनका गाना ऐसा था जो गर्मी को ठंड में बदल देता था और ठंड को गर्मी में बदल देता था। उनके गीत लोगों के मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे और सभी लोग बाल गोविंद की तरह नाचने लग जाते थे।
उनके घर का आंगन भी संगीत से भर जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना अत्यंत उच्च सीमा तक पहुंच जाती थी और सभी लोगों को यह पता था। जब उनका इकलौता बेटा दुनिया से चला जाता है, जो दिमागी तौर पर सुस्त था, तो बाल गोविंद भगत उस पर अधिक ध्यान देते थे और उसे ज़्यादा प्यार करते थे। उसकी बेटे की बहू बहुत ही सुघड़ और अच्छी गृहस्थिन नारी थी। उसने आते ही अपने घर के सारे काम संभाल लिए थे और बाल गोविंद भगत को सभी कामों से लगभग मुक्त कर दिया था। जिस दिन वह लड़का गुजरा, सारा गांव उसके घर में इकट्ठा हो गया था, लेकिन बाल गोविंद भगत गाना गा रहे थे और बेटे के लाश को आंगन में चटाई पर लिटा रखा था। सफ़ेद कपड़ा उस पर ढक कर के कुछ फूल और तुलसी के पत्ते भी बिछा रखे थे। पास आसन पर बैठकर वह गाना गा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि पुत्रवधू रो रही है, तो उसे समझाया कि मृत्यु तो उत्सव मनाने का समय है, आज तो उसकी आत्मा परमात्मा में मिल गई है और यह तो खुशी की बात है। लेकिन लेखक को यहाँ लगता है कि वह पागल हुए हैं। और बेटे का क्रियाक्रम बहू से करवाया गया। श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही बहू को उनके घर भेज दिया गया ताकि उनकी दूसरी शादी करवा दी जाए, लेकिन बहू यह बात मानने से मना कर देती है और वह कहती है कि वह बाल गोविंद भगत की सेवा करना चाहती है। उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि बुढ़ापे में उनका ध्यान कौन रखेगा, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने कारण बहू का जीवन खराब नहीं करना चाहते और वो नहीं चाहते कि वह इतनी छोटी उम्र में संन्यास ले ले। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने की धमकी दी कि यदि वह पिता के घर नहीं जाएगी तो वह घर छोड़ करके चले जाएंगे। तब यह सुनकर के बहू अपने घर चली जाती है। उनके स्वभाव के अनुरूप ही उनकी मृत्यु होती है और वह हर वर्ष पैदल गंगा स्नान के लिए जाते थे। वहाँ पर वे ऋषि मुनियों से मिलते। गांव उनका जो था गंगा से 30 कोस की दूरी पर था और वे घर से खा पी कर चलते, लौटकर घर पर ही आकर खाते थे। रास्ते में गाना गाते जाते थे और उनको आने में 4 दिन लग जाते थे। अब वह बहुत बुजुर्ग हो गए थे और बहुत उपवास करते थे, लगातार गाना गाते थे। इस बार जब वो गंगा से लौटकर आते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन बुखार में भी उन्होंने नियम नहीं तोड़ते हैं। लोगों ने उन्हें सब कुछ छोड़ करके आराम करने के लिए कहा, लेकिन वो टाल गए।